नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आंग्रिश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एडवोकेट दीपक आंग्रिश में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार गजट होता क्या है और गजट से जुड़े ही मैं आज आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गजट दो है सरकार द्वारा, यानी कि केंद्र या फिर राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया एक नोटिफिकेशन होता है। अब दोस्तों, इसे मैं अगर आपको समझाऊं तो अगर यहाँ पर केंद्र या फिर राज्य सरकार अपने किसी नए नियम का यहाँ पर लागू से करवाना हो या फिर कोई नया कानून लागू करवाना हो, यहाँ फिर हो सकता है अगर वो अपने किसी पुराने जो नियम या फिर कानून है उसमें कोई परिवर्तन करना हो, या फिर किसी आम जनता के सार्वजनिक जीवन से जुड़ा कोई परिवर्तन जो उसे सार्वजनिक करना हो, वो इसी गैजेट पब्लिकेशन के थ्रू होता है। दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर जो गैजेट होता है यानी कि गजट होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो केंद्र सरकार करवाती है और दूसरा जो राज्य सरकार करवाती है। जैसे मैंने वीडियो में ऊपर आपको बताया कि गजट में होता क्या है कि सरकार जो होती है अपनी नई नीतियों कानूनों या फिर नियमों का अगर यहाँ पर उसे पब्लिकेशन करवाना हो, या फिर अगर पुराने नियम कानून वगैरह का जो यहाँ पर उसे अगर परिवर्तन करके उसे पब्लिकेशन करवाना हो, तो गजट के माध्यम से ही होता है। दोस्तों, अगर इसे मैं बिल्कुल आम भाषा में समझाऊं तो जो गजट होता है वो केंद्र और राज्य सरकार का एक तरह से न्यूज़पेपर की तरह होता है, पर यहाँ पर वो महीने में केवल एक ही बार निकलता है, जिसके अंदर वो अपने नए नियमों का आपके साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर वो रूबरू करवाती है, और पुराने नियमों में अगर कोई परिवर्तन कराती है तो यहाँ पर वो गजट पब्लिकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर दर्शाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गजट से ही जुड़ी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, जो आपको जरूर जीवन में कभी ना कभी काम आएगी। जैसे कि अगर आपने जीवन में कभी कोई नाम, लिंग या फिर सरनेम का परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो कैसे वो गजट के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि यूपी पंजाब जैसे स्टेट है जहाँ पर गजट पब्लिकेशन नहीं होता, तो इस कंडीशन में वहाँ पर वो अपना नेम सरनेम वगैरह चेंज किस तरह से करवाएं, बड़ी आसानी से करवाएं। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रोजाना इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों, अगर यहाँ पर अब बात की जाए कि जो गजट होता है कहाँ से निकलता है, इसे कौन निकालता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके राज्य के अंदर जो होता है, यहाँ पर आपकी राज्य सरकार और पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार गजट को निकालती है। दोस्तों, यहाँ पर ये गवर्नर द्वारा निकाला जाता है और ये हर 10 महीने यानी कि हर महीने की 10 तारीख को गजट निकाला जाता है। दोस्तों, बेसिकली एक तरह की बुकलेट की तरह होता है जिसके अंदर सैकड़ों पेज होते हैं, और अगर आप इसे यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने राज्य में सेक्रेटरिएट पर जाकर इसे बड़ी ही आसानी से खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके हम फायदे और नुकसान की बात करें तो मान लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई बड़ा बदलाव हुआ है, या फिर आपका यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, इसके अलावा अगर आपका कोई यहाँ पर कोर्ट में केस चल रहा है इसी चीज़ से जुड़े संबंधित, या फिर हो सकता है आप यहाँ पर अपना लिंग, धर्म, नेम या सरनेम चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप अपने राज्य के गजट में इसे निकलवा सकते हैं। पर दोस्तों, अगर यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंटेड एक कर्मचारी हैं, तो आपको यहाँ पर जो गजट होगा वो केवल दिल्ली के अंदर आकर ही आपको निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो आपके जो नौकरी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर ये चीज़ चेंज नहीं करेगी। इसलिए आपको यहाँ पर दिल्ली के अंदर आके ही अपना जो ये चेंज है उसे गजट के माध्यम से निकलवाना पड़ता है। दोस्तों, अब दोस्तों, अगर यहाँ पर हम इस वीडियो के सबसे मेन क्वेश्चन की बात करें, और हो सकता है यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसी क्वेश्चन के चलते इस वीडियो को में देखने आए हो, तो दोस्तों जैसे कि कुछ राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब, जहाँ पर गजट नोटिफिकेशन नहीं निकलता, तो इस स्टेट में अगर यहाँ पर आम जनता को अपने डॉक्यूमेंट से जुड़ा कोई बदलाव करना हो तो वो यहाँ पर क्या करें। दोस्तों, यहाँ पर अगर वो चाहते हैं तो अपने किसी भी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं। उसके अंदर कोर्ट क्या करेगी, पुलिस से यहाँ पर इंक्वायरी के ऑर्डर देकर अगर यहाँ पर आपकी इंक्वायरी सही निकलती है तो यहाँ पर जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसे आदेश दे देगी।
पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो ये प्रोसेस होता है ये बहुत ही लंबा और खर्चीला होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है उसे भी पार्टी बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस होता है सालों तक खींच जाता है। इसमें परेशानी आपको ही होगी क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम भी लगेगा, साथ ही साथ खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरी यहाँ पर आपको राय यही है कि आप यहाँ पर आकर दिल्ली के अंदर अपना गजट नोटिफिकेशन करवा लें। यहाँ पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक महीना लगेगा और इस एक महीने के अंदर आपका खर्चा भी बहुत कम आएगा, जो उस डिक्लेरेशन शूट के माध्यम से बहुत ही कम समय में और कम खर्चे के अंदर हो जाने वाला है दोस्तों। दोस्तों अगर यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन निकलवाने की समय सीमा या फिर सरनेम और धर्म बदलवाने से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम समय सीमा की बात करें तो गजट नोटिफिकेशन निकलवाने की कोई भी समय सीमा नहीं होती दोस्तों। आप अपने जीवन में किसी भी मोड़ पर यानी किसी भी समय अपना लिंग, धर्म, सरनेम या फिर नेम गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से बदलवा सकते हैं। पर दोस्तों अगर यहाँ पर धर्म बदलवाने की बात आती है तो दोस्तों मेरी आपको राय यही होगी कि अगर आप अपना यहाँ पर धर्म बदलवा रहे हैं तो आप अपना नाम भी उसी के हिसाब से बदलवा लें, क्योंकि अगर वैसे आपको दोस्तों यहाँ पर कोई कंपलसरी चीज़ नहीं होती, पर फिर भी अगर इन फ्यूचर अगर आप अपना यहाँ पर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स में आपका कोई काम पड़ता है और अगर आपका धर्म के हिसाब से आपका नाम नहीं है तो आपको वहाँ पर जुड़ी बहुत सारी मशक्कत आपको करनी पड़ती है और बहुत से प्रॉब्लम्स भी आपको वहाँ पर फेस करनी पड़ जाती है। और दोस्तों अगर यहां पर सरनेम की बात करूं तो अगर आप यहां पर सरनेम अपना बदलवाना चाह रहे हैं गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो यहां पर आपको एक वैलिड रीजन देना होगा कि आखिरकार आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और इसके अलावा अगर जो आप यहां पर सरनेम बदलवा के चूज करना चाहते हैं वो आपके परिवार में इससे पहले किस वो जो सरनेम है वो किस व्यक्ति के साथ जुड़ा है, वो भी आपको यहां पर प्रॉपर सबूत के साथ देना होगा। अगर दोस्तों आप यहां पर नहीं करते तो आपका वो सरनेम ऑब्जेक्शन के अंदर आ जाएगा और हो सकता है आपका वो सरनेम यहां पर चेंज भी ना किया जाए या फिर आपके साथ जोड़ा भी ना जाए दोस्तों। दोस्तों अगर अब यहां पर हम बात करें कि आप कितनी बार अपना लिंग, धर्म या फिर नेम सरनेम चेंज करवा सकते हैं, तो दोस्तों यहां पर कोई प्रॉपर टाइम यहां पर यानी कि प्रॉपर यहां पर कोई लिमिट नहीं बताई गई। पर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि जो गजट ऑफिसर होता है वो यहाँ पर इस चीज़ का ऑब्जेक्शन जरूर उठा सकता है आपके आधार कार्ड के माध्यम से, पर प्रॉपर अगर यहाँ पर कोई टाइम या फिर लिमिट की बात करें तो कोई इतनी लिमिट नहीं है कि आप इतनी बार ही अपना नेम, सरनेम, लिंग या धर्म बदलवा सकते हैं। तो दोस्तों पर यहां पर जो गजट ऑफिसर होता है वो इसका माध्यम से आपका ऑब्जेक्शन जरूर उठवा सकता है, पर यहां पर दोस्तों आपको एक चीज और समझ लेनी चाहिए, आप यहां पर अगर अपना कोई नया नाम, लिंग, धर्म या फिर कोई सरनेम चेंज करवाते हैं तो उसमें तो ठीक है, किंतु पर अगर आप यहां पर अपना नया नाम सरनेम चूज करने के बाद अगर उसे दोबारा वापिस अपने पुराने नेम सरनेम को चूज करना चाहते हैं तो यहां पर कोई भी आपका चाहे वो गजट ऑफिसर ही क्यों ना हो कोई ऑब्जेक्शन आपका नहीं उठा सकता दोस्तों। दोस्तों अगर अब यहाँ पर हम गजट निकलवाने की समय सीमा या फिर फीस की बात करें तो बेसिकली दोस्तों मैं दिल्ली की आपको बताना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आप यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन निकलवाना चाहते हैं तो आपको लगभग 10,000 रुपये के करीबन खर्चा आता है, क्योंकि एक तरह से पूरा प्रॉपर पैकेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है जिसका करीबन 10,000 से जुड़ा खर्चा होता है। पर अगर आप यहाँ पर दिल्ली के बाहर के निवासी हैं तो आपका यह खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर आपको 15,000 रुपये तक खर्च करने पड़ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद समय सीमा की बात करें तो अगर यहाँ पर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको गजट नोटिफिकेशन निकलवाने की समय सीमा एक महीने की होती है, किंतु अगर यहाँ पर आप दिल्ली के बाहर के निवासी हैं और आपके लिए समय समय पर दिल्ली पर आना पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा फी पे जो एक्स्ट्रा फीस है उसे पे करके अपनी समय सीमा यहाँ पर 3 महीने की करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो आपके राज्य के SDM यानी कि आपके क्षेत्र के SDM ऑफिसर है उसके वहाँ पर इंक्वायरी होती है जिसमें लगभग 2 से 3 महीने लग ही जाते हैं। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर दिल्ली के बाहर के निवासी हैं तो आप यहाँ पर 3 महीने की समय सीमा गजट नोटिफिकेशन निकलवाने की आपको मिल जाती है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको मैं एक स्पेशल वीडियो भी लेकर आने वाला हूं जिसके अंदर मैं गजट निकलवाने का पूरा प्रोसीजर जो होता है प्रॉपर इसी तरह से सिंपल स्टेप में आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बेहद अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपका आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज जरूर कीजिए। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की जानकारी रोजाना ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।